नो 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 मसाज सॉरी मतलब डांस करते हैं यहाँ पे देखें दिस इज बेस्ट रेस्टोरेंट इन मलेशिया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आई एम इंडियन लेमन दी है जो अरेबिक है हाँ ये मैंने देखी है इसमें ये हमारा नान लगते हैं उसमें सादी रोटी भी है तंदूरी रोटी भी है प्लेन नान गार्लिक नान चीज नान बटर नान अस्सलाम वालेकुम कैसे आप लोग सब वेलकम बैक टू न्यू स्टूडियो आज हम लोग आए हुए कुआलालंपुर की स्ट्रीट विजिट करने आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे विजिट करेंगे स्ट्रीट को और अभी आपको लेके चलते हैं चप्पल ही पहन ली मैंने कहा इजी सीन रहने दो चप्पल पहनो जो भी करो और चल रहे हैं हम लोग अभी पाकिस्तानी होटल जा रहे हैं वहाँ पे पहले हम लोगों ने खाना खाया था बहुत अच्छा खाना था बहुत मज़े का था और मतलब कराची की याद आ रही कराची वाली वाइब आ गई थी लेकिन वहाँ के बंदे ज़्यादातर पंजाबी थे लेकिन एक बंदा था मेरे ख्याल से सियालकोट का था ना तो वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं फिर हम आपको वहाँ पे वीडियो भी बनाएंगे और पूरा दिखाएंगे भाई किस तरह का क्या खाने आप विजिट करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं ये मेरे ख्याल से कोई इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ठीक है यहाँ पर जो सॉन्ग्स चल रहे हैं ना वो सारे चल रहे हैं उर्दू या हिंदी टाइप इस तरह के सॉन्ग चल रहे हैं ये भाई ये है ये जो फीलिंग दे रहे हैं ना बिल्कुल न्यूयॉर्क वाली फीलिंग दे रहा है न्यूयॉर्क लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख सकते हो आप लोग देख लो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं लोग ये हालाफ रेस्टोरेंट और यहाँ पे आपको पहले से भाई यहाँ पे भी फूड पांडा होता है मैं आपको बता दूँ मैं भी हैरान हूँ सिंगापुर में होता है थाईलैंड में होता है और मलेशिया में होता है हाँ तीनों कंट्रीज में होता है मैंने नहीं देखा था पहले फूड पांडा वाला लेकिन आज मैंने देखा था फूड पांडा पहले लंकावी में देखा मैंने हैरान हो गया मैंने कहा फूड पांडा तो फिर अच्छा यहाँ पे भी फूड पांडा होता है यहाँ पे जो है बियर वियर मिल रही है तो हमें बार बार वो बुला रहे हैं कि अरे ब्रदर सम बियर मैंने कहा नो भाई वी आर मुस्लिम ब्रो वी कांट डू दिस टाइप ऑफ थिंग क्यों बुला रही भाई सही नहीं बोल रहा यार सही बोल रहा हूँ ना क्या करें बस हम तो घूमना है ना हाँ ये देखें यहाँ पे एक है एक और हैनी कैन है बियर की एक तरह से शॉप है जो हम लोग और एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे की तरफ जा रहे देखो सामने चढ़ाई है ना एक तरह से मरी वगैरह मरी टाइप का इलाका है ना लेकिन समझो मरी को आप एडवांस कर दो इस तरह का इलाका है माल रोड टाइप की इस तरह ये देख लो आप लोग अभी हम लोगों ने रोड क्रॉस किया है यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं आगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ थोड़ा सा दूर है वॉकिंग डिस्टेंस है यस नो 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 सॉरी भाई मसाज का बोल रही थी अगर आपको फिट मसाज करा है नो 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 मसाज सॉरी इन्होंने बिल्कुल मतलब एक तरह से इन्होंने ना वो लगाया है पूरा बिजनेस दिमाग क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है लोग जा रहे थक जाएंगे चढ़ते 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 तो उन्होंने यहीं पे बोल दिया भाई फीट मसाज तो लोग बंदा बोलेगा अच्छा भाई चढ़ रहा हूँ थक गया हूँ मैं तो इसलिए फीट मसाज ही करवा लेता हूँ देख सकते हैं देखें पूरी विस्की और बियर की पूरी इतनी बड़ी शॉप है मैं तो ज़िंदगी में इतनी बड़ी नहीं देखी देख रहे हैं और कितना रश है इधर ये देखें तो फुल अयाश चल रहे हैं भाई अयाश हम लोग जा रहे हैं ये देख लें फ्रूट्स कितने सारे लगे हैं फ्रूट्स और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट होते हैं देखें ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में तो नहीं मिलता और ना इंडिया वगैरह में मिलता है रोड क्रॉस कर रहे हैं ये देखें भाई इतना खूबसूरत बना हुआ है यार आपको देख के ही मज़ा आते आप स्ट्रीट पे भले कुछ ना करो बस आप स्ट्रीट घूमते रहो आपको मज़ा आता रहे ये है यहाँ पे बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं आगे की साइड भाई यहाँ पे लेट नाइट तक पार्टी चल रही होती हैं इतनी पार्टी चल रही होती हैं मतलब हम लोग होटल के अंदर सो रहे थे तीन बजे तक आवाज़ें आ रही थी फिर उसके बाद आवाज़ें ख़त्म हुई ये देखिए यहाँ पे हम लोग टॉय शॉप पे आए मैंने कहा यार किसी के लिए कोई बच्चे के लिए किसी टॉय ले लें किसी बच्चे के लिए कोई टॉय वॉय ले लें अगर कोई सस्ता मिलेगा या थोड़ा मुनासिब भी मिलेगा तो ले लेंगे अभी देखने आए चीप टॉयज फॉर किड्स कार दिस वन चीप हाउ मच दिस वन 70 प्राइस ऑफ द कार This car 73 आएगी 50 another 70 this one 25 30 आएगी okay अच्छा वहाँ हमें पता है हमें क्यों दे रहा है हम इसके पप्पो के लड़के पहले फिर मैं आपको दे रहा हूँ 25 की
लोग दुकान से बाहर आ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में गोल प्लाजा पे हजार तो ज्यादा, लेकिन मैं आपको लेकिन भाई इनके हिसाब से ये 70 rupees है, इतने ज्यादा इनके लिए नहीं मैटर करता ये। तो हर चीज जरूरी नहीं है भाई, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं अली भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी है लेकिन यहाँ पे सस्ती है, ये बात बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ऐसा होता रहे, ये चलता रहता है। हमने कौन सी ली, उसने बोला हमने नहीं ली, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, पांडाइज है, मतलब सारे बड़े बड़े ब्रांड जो है यहाँ पे है ज़्यादातर। मैं लोग डांस करते हैं यहाँ पे, देखें डांस बजा रहे हैं, पूरा बैंड है भाई यहाँ पे। Muslim brothers. You can search his channel. You from where? Which city, India? Telangana, Hyderabad. Hyderabad. My friend live in Hyderabad. My friend lives in Hyderabad. He first live in Saudi Arab and then he move on to Hyderabad. Okay. Yes. अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे इनके फूड, भाई आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आपको मतलब पाकिस्तानी खाने की तलब हो रही होगी ना, आप बोलोगे यार बस यहाँ आ जाओ। ये हमारे भाई हैं यार, इन्होंने जो हमें फेवर दिए ना, थैंक यू। बता देता हूँ यहाँ पे खाने, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये गोला कबाब है, बीफ कबाब है, बीफ कबाब भाई। ये क्या है? ये चिकन टिक्का मलाई टोटल, और ये चिकन टिक्का फिश टिंगड़ी चिकन तंदूरी, आप सब फ्राइड चिकन, ओके, और दिस सेम फ्राइड सेम, ओके, और ये क्या है? मलाई बोटी यार, चिकन टिक्का मलाई बोटी, टिक्का मलाई बोटी। अच्छा, अब आपको लेकर आते थे हम लोग सालन की साइड में, यार रोटी वाला साइड में भी। अच्छा, ये हमारे पास दाल माश है, पोटैटो है, पोटैटो मसाला है, और मिक्स सब्जी है इसमें, दाल पालक है, और चिकन हलीम भी है, स्पेशल जो है हमारी चिकन हलीम के बाद जो है वो, उसके बाद सिंपल दाल है, ये चना मसाला, ओके, पोटैटो मिक्स है, ये चिकन कोफ्ता है स्पेशल, चिकन कोफ्ता तो भाई स्पेशल है, ये चिकन मसाला स्पाइसी वाला, अच्छा, ये चिकन कड़ी है, ये चिकन अचारी है, सही है, और ये चिकन शिमला मिर्च में मिक्स है, ये मटन, ये भी मटन है, और ये बीफ है, और ये बकरे के पाए भाई, देख सकते हो पूरे बकरे के पाए यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को। और उसमें जो स्पेशल चीज़ है हमारी, वो स्वीट है, ये खीर बनी हुई है पाकिस्तानी स्टाइल, हमेशा स्पेशल लेमन दी है जो अरेबिक है, हाँ ये मैंने देखी, इसमें ये हमारा नान लगते हैं, उसमें सादी रोटी भी है, तंदूरी रोटी भी है, प्लेन नान, गार्लिक नान, चीज़ नान, बटर नान, सब है, सब आइटम। अच्छा, ये चिकन बिरयानी होगी, और ये क्या है? ये मेरी क्या चने वाले राइस, चने वाले राइस, बाकी सारा हो गया है। हमारे असद भाई ये रहते हैं, ये रहते हैं लैया की साइड पे, आप कौन सी शहर? सरगोधा, लैया के थोड़ा सा दूर है, हम लोग यहाँ पे दोबारा खाना लेने आए क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो अब हम लोग खाना लेने आए, और ट्राई करते हैं, तो अभी हम लोग मंगवाते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, सारे इंडियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, योर नेम? अली, नाइस नेम। मैम हम लोग यहाँ पे ओनर ऑफ द होटल, ओके, मैनेजर, सारे लोग हैं, देख सकते हैं लोग खाना खा रहे हैं, चाइनीज है, इंडियन है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे भाई, बिरयानी खाओ आप,
अब इस तरह भी दो मन नहीं खा लो, जो खाने खाओ आपको मजा आएगा, क्योंकि जिस तरह ये है ना आप जावेद निहारी पे बैठते हो इस तरह ढाबे स्टाइल का तरह है। यहाँ पे आपको फ्रेश जूस भी मिलेगा, तीन एप्पल है और ये मैंगो है, यहाँ पे आपको ये फ्रेश जूस निकाल के देंगे। आप लोग देख सकते हैं इनका पूरा ये सेटअप है और ये आपको पूरा फ्रेश जूस निकाल के देंगे, ये पूरा ढाबे स्टाइल पे। तो और ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग को बता दूँ आप लोगों को ज़रूर विजिट करना है यहाँ पे, अगर आप कुआलालंपुर आए मस्ट विजिट दिस प्लेस। अब लगा हुआ है भाई ये देखें तंदूर की रोटी इस टाइप की मिलती है, ये रहा भाई ये रहा नान है तंदूर टाइप की मिलती है भाई, भाई आप दोबारा बता दो मलेशिया पैराडाइज रेस्टोरेंट का नाम है और ये है पूरा पंचन होटल, आप तो आप यहाँ पे हर चीज़ करेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि बुफे भी इन्होंने लगाया हुआ है और वो डे बाय डे चेंज होता रहता है खाना, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इनका इस तरह रहता है डे बाय डे चेंज होता रहता है। ये 18 साल से यहीं है होटल, 18 साल से ये होटल खुला हुआ है और माशाल्लाह इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। देख सकते हैं ये हमारा खाना आ चुका है और अभी हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, वाइट राइस हमें सिर्फ एक ही मिला है, बाकी हम लोगों ने बिरयानी रख ली है जी, भाई पैक करके दे रहे हैं। कीमा हो गया सही है, आपका हो गया जी दाल माश हो गई सही है, आपकी चिकन बिरयानी आप खाएंगे इंशाल्लाह, रायता रायता भी मिले, रायता वायदा सब दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं ले लो कोका कोला, बोला भैया हमें कोका कोला तो फ्री मिलनी चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आपने बोला था, बहुत अच्छे हैं असद भाई, भाई अच्छे बंदे हैं अच्छे इंसान हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रोटियां अंदर डाल दो, रोटियां अंदर ही डाल दो, वो रोटियां ठंडी हो जाएंगी ना, नहीं सही है यार पहले खोल के देखना बाद में, भाई ने कोका कोला भी ले लिया हम तीन के लिए, अंकल हमारे बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ो भाई, ये अच्छी बात है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। होटल की तरफ जा रहे हैं लोगों ने रिली तो कर ली, हम लोग आज कुछ खाना लेने गए थे तो लोग यहाँ पे इस तरह का ऐसे ही यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग भी मिलेंगे, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, तो बस ये स्ट्रीट पे मिल रहे हैं कोई अच्छे लोग हैं कोई बुरे लोग हैं, तो बस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं जो बुरे लोग हैं, बाकी मतलब जो ख़राब चीज़ है उसको इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।